बिहार में इन दिनों डेंगू और वायरल फीवर का कहर देखने को मिल रहा है। खासकर बात राजधानी पटना की करें तो डेंगू और वायरल फीवर के मरीज में लगातार बेतहाशा इजाफा हो रहा है, जिससे लोगों की टेंशन बढ़ गई है। डेंगू और वायरल फीवर के लक्षण एक जैसे होते हैं, जिसकी वजह से तमाम लोग इनमें अंतर नहीं कर पाते। ऐसी कंडीशन में मरीज की हालत बिगड़ जाती है। अगर डेंगू के लक्षणों को पहचान कर समय पर इलाज ना कराया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। अब सवाल उठता है कि जब इन दोनों ही बुखार के लक्षण एक जैसे होते हैं तो फिर डेंगू और वायरल की पहचान कैसे की जाए? तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको सारी चीजें विस्तार से बताते हैं। वायरल फीवर वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसकी वजह से सर्दी, जुकाम और बुखार की समस्या हो जाती है। मौसम बदलने के दौरान इस वायरस की चपेट में कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग आ जाते हैं। आमतौर पर 5 से 7 दिनों के अंदर वायरल फीवर अपने आप ठीक हो जाता है। डेंगू फीवर संक्रमित मच्छर के काटने से होता है और मच्छर काटने के कुछ दिनों के बाद इसके लक्षण नजर आते हैं। अगर डेंगू का सही इलाज न कराया जाए तो व्यक्ति की कंडीशन गंभीर हो जाती है। इसका असर लीवर पर भी देखने को मिलता है। डेंगू भी एक वायरल फीवर है, लेकिन ये मच्छर के काटने पर ही होता है। तो चलिए अब हम आपको डेंगू फीवर और वायरल फीवर में कुछ अंतर बताते हैं। डेंगू फीवर में बहुत तेज बुखार आता है, इसे ब्रेक बोन फीवर कहा जाता है। वायरल फीवर में बहुत ज्यादा तेज बुखार नहीं आता है। डेंगू से संक्रमित होने वाले मरीज की स्किन पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, लेकिन वायरल फीवर में स्किन पर कोई निशान नजर नहीं आते। डेंगू की वजह से प्लेटलेट काउंट तेजी से कम हो जाता है। वायरल फीवर में प्लेटलेट काउंट पर ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता। डेंगू फीवर होने पर लोगों का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जबकि वायरल फीवर में ब्लड प्रेशर पर कोई असर नहीं पड़ता। डेंगू की वजह से उल्टी और पेट दर्द होने लगता है। डेंगू से लीवर पर भी असर होता है। वायरल फीवर में उल्टी या पेट दर्द की समस्या नहीं होती। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप में भी ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। बुखार आने पर लोगों को सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। ब्लड टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपको डेंगू है या नहीं। ट्रीटमेंट की बात करें तो दोनों ही कंडीशन में आपको सबसे पहले डॉक्टर की सलाह पर ही दवाई लेनी चाहिए। अगर आप डेंगू का सही समय पर इलाज कराएंगे तो 1 सप्ताह में आसानी से रिकवर कर सकते हैं, जबकि वायरल फीवर 5 से 7 दिनों में दवा लेने से ठीक हो जाएगा। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि कभी भी घर पर इस कंडीशन में इलाज ना करें। जब भी ऐसे लक्षण देखने को मिले तो सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, ब्लड टेस्ट को डॉक्टर को दिखाएं और उसके बाद डॉक्टर के हिसाब से ही डॉक्टर द्वारा सजेस्ट किया हुआ ही दवाई खाएं। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।